हेलो दोस्तों, वेलकम टू केरला टेस्ट एंड ट्रैवल। तो आज एक नए लोकेशन में आए, मुन्नार के पास में ही है। इधर लोकेशन का पेर कोन्नतड़ी वेल्लतुवल, यहाँ से 20 किलोमीटर ही है। ठीक है, तो यहाँ मैं अंकल और आंटी के पास आया हूँ। मेरे अंकल हैं सतिन अंकल और आंटी शीला आंटी। ठीक है, बचपन से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे भी बहुत अच्छा एक क्लाइमेट है। तो ये एक्चुअली फार्मर्स हैं। ठीक है, इनका रबर प्लांटेशन और बहुत कुछ है जो हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। पूरा डिटेल्स में मैं बताता हूँ, ये रबर और इन सब का कैसे प्रोसेसिंग रहता है वो सब अंकल को बोला है बताने के लिए। ठीक है, तो सडनली हम लोग आए, बताए नहीं इन लोगों को। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आराम से रिलैक्स करेंगे, उसके बाद फिर कार्यक्रम चालू करेंगे। ठीक है, ओके। हेलो तो दोस्तों, सतीन अंकल के साथ हम लोग चलेंगे अब रबर टैपिंग के लिए। इन्होंने यहाँ पे ये प्लास्टिक का ये बांध रखा है टैपिंग के लिए, इसमें रबर डालेगा ऊपर जाके। ये जो नाइफ है दोस्तों, ये रबर टैपिंग के लिए यूज किया जाता है। ये देखिए, इसमें ग्रूव बना हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे यूज करते हैं ये ऊपर जाके देखते हैं। ये सुबह 5 बजे भी नहीं यार, 4:30 बजे जाके ये सुबह सुबह टाइपिंग करते हैं। तो मैंने जब रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने आधा काम ही किया, उसके बाद बोलते कि अभी कुछ 7 बज रहे हैं मॉर्निंग के, तो वापस जो बचा हुआ है वो टाइप करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को दोस्तों दिखाते हैं रबर कैसे टाइपिंग किया जाता है। हाँ ठीक है, ये इधर से काटा हुआ है और ये नया इसमें एक ये प्लास्टिक का रखा हुआ है, ये टैपिंग कर रहे हैं, ये रबर आ रहा है। ये देख रहे हो ये रबर, अच्छा ये इसमें पूरा रबर है। ठीक है, अब ऊपर का पेड़ का थोड़ा सा स्किन निकाल दिया तो वापस इसमें रबर आ रहा है। इसको बोलते हैं रबर टैपिंग। ये देख रहे हो, ये रबर आ रहा है, ये आया और इसमें गिरा। हाँ हाँ, ये पूरा रबर है, ये देखे आप, ये डाल दिया उसमें। ये देखिए, इधर भी हम लोग आ गए इस रबर ट्री से। देखिए इसमें तो आधे से आधा भर गया। ठीक है, तो इस तरह से होता है, ये लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, इसका शीट बनता है और जो उनके पीछे जो एक बैग में बांधा हुआ है बास्केट में, उसमें जो रबर निकाला है वो वैसे के वैसे रहो मार्केट में बेचते हो। ठीक है, तो ऐसे दो टाइप में मिलता है। ये तो बहुत जल्दी जल्दी भाग रहे हैं यार। वो ऊपर पूरा रबर प्लांटेशन है, वो जो आप देख रहे हो ना हाइट में, वहां पे हम लोग अभी जाके वहीं से आ रहे हैं। ये इनका डेली का रूटीन है दोस्तों। सुबह के 9 बज रहे हैं, धूप अभी आना स्टार्ट हुआ है। ये देखिए, अभी बहुत अच्छा मतलब ठंडा क्लाइमेट है। और ये हमारी गाड़ी है, आपको दिख रहा होगा पूरे इसमें मिस्ट है, देख रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग प्रोसीजर बताएंगे। तो ये 2 दिन पहले निकाला हुआ शीट है। ठीक है, इसलिए ये केमिकल सिट्रिक एसिड इसमें डालते हैं, तो जो उसमें कलेक्ट हुआ रबर मिल्क है वो इसमें डाला विद केमिकल, लैक्टेक्स बोलते हैं। हाँ, तो उसके साथ इसमें केमिकल डाला हुआ है और 2 दिन के लिए रखा हुआ है। अब इसको
पूरा हम लोग निकाल के ये रोलर के अंदर से पास करेंगे और बिल्कुल थिक रबर रबर स्टिक बनाएंगे और इसके अंदर से वो डिजाइन बन के निकलेगा। ये दूसरा, तो पहले इसमें फिर इसमें, ठीक है। दिल कई टाइप प्रश्न उन्होंने जा लो, ये देखो ये रबर है, इसी से भाई हम लोगों का इरेजर बनता है, रबर टायर बनता है, सब बनता है, देख रहे हो। तो केमिकल मेरे ख्याल से इसलिए डाला है ताकि ये ऐसा प्रॉपर सॉलिड फॉर्म में आ जाए और इसको हम लोग अब निकाल के इसमें डालेंगे, ठीक है। तो इसको इसके अंदर से डाल के पास करेंगे। तो ये जो है मैकेनिज्म मैन्युअली रखा हुआ है यहाँ पे, जो कि मैं करूंगा। हाँ ये देखिए, स्टार्टिंग में थोड़ा इजी था घुमाना, ये थोड़ा टाइट होता जा रहा है। सतीन अंकल का रेज का रोज का ये रूटीन है डेली का। अंगड़ो अंगड़ो मारिको इधर और नोट इधर। हां अच्छा दोस्तों, ये लास्ट वाला मैं ट्राई कर रहा हूं। सारे वाली सारे हां 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 ओके या। तो ये हमारा कितना 8-10 शीट है यहाँ पे रेडी हो गया। ये देखो आप, ये शीट सब रेडी हो गया। अब अंकल इसमें क्या इधर अंदर ये, तो अब इसमें इस इसमें हाँ और मिनट है, इसमें कैसे ग्रूव है, अब इसमें डिजाइन आएगा। वो स्मूथ रोलर था राउंडेड प्रोफाइल, ये ग्रूव वाला, ठीक है। अब इसमें इसका डिजाइन आएगा, आप देख ये देखिए हाँ आधे रंड वर्ष देख रहे हैं इसमें। हाँ ये ऐसे भी हम लोग मार्केट में बेच सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों थोड़ी देर बाद ये चुपक जाएगा, एक से एक दूसरा शीट चुपक जाएगा। तो एक ग्रूव इसमें डिजाइन आएगा, तो ये इसके ऊपर मैं दूसरा शीट डालूंगा तो ये चुपकेगा नहीं, तो कंपनी वाला आराम से उसको निकाल सकते हैं। नहीं तो अभी जो थिकनेस है डबल थिकनेस हो जाएगा, दो तीन एक साथ चुपक जाएगा, तो वो थोड़ा टफ काम हो जाएगा। इसलिए ग्रूव पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो एसिड है इसमें तो उसको वॉश कर रहे हैं, वाटर वॉशिंग हो रहा है, ताकि पूरा प्रॉपरली इसमें जब हम हीट करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग तो उसमें कोई रिएक्शन ना हो, इसलिए पूरा क्लीन अप कर रहे हैं बाय वाटर वॉशिंग। तो वाटर मेथड है इसके बाद रोलिंग करने के बाद। हाँ तो इसका पानी निकालेंगे नॉर्मल टेम्परेचर में, इसका पानी निकालेंगे शीट को डाल के, उसके बाद फिर इसको चेम्बर में लेके जाएंगे जहाँ पे इसको हीट करेंगे। तो पहले तो इसको ऐसे नॉर्मल ट्राई करेंगे। दोस्तों ये तो अभी से चिपकना चालू हो गया। ये रूम है देखिए, इसमें नीचे ये आग लगाते हैं और इतना उससे किया देखो कि ना वो पांच दिन के लिए इसी के अंदर, तो डेली आग लगाते हैं, डेली आग लगा के ये छोड़ देते नीचे से। तो ये इसके स्मोक वॉक से ये पूरा, ये देखिए ये 4-5 दिन पुराना है रबर शीट से। तो चले देखते हैं कैसे करते हैं। ये इधर पर मत आई अल ये देखिए, हाँ तो इस तरह से हमारा रबर शीट बनता है, जो कि मार्केट में किलो के हिसाब से ये 175 बोल रहे थे बिकता है। तो इसको हाँ इस रबर को इस शेप में करने के लिए हम लोग इस रूम में इस चेम्बर में डालेंगे इसको 4-5 डेज। तो देखिए कैसे करते हैं। ओके वेंडा अकानंद केरला फार्मर है ना,
सचिन अंकल, इनका एक दिन का रूटीन आपको बताया मैंने, बहुत टफ रूटीन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रबर का पूरा काम है ये ऑलमोस्ट हम लोग कर लिए, जो मेन मेन पोर्शन का है, ठीक है। तो आपको वीडियो देख के क्या इसमें पसंद आया और आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में प्लीज आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको जैसे भी वीडियो लगा हो, अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, आप कमेंट में बताइए। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए बाय।